धार्मिक ग्रंथों की बात करें तो वे आज भी जिंदा है। उन चश्मदीद की बातों का विश्वास करें तो वे आज भी यहाँ घूम रहे हैं, और सारे सबूत यही इशारा कर रहे हैं कि हमारे हनुमान जी आज भी हमारी धरती पर मौजूद हैं। इस बात को दोहराने की जरूरत नहीं है कि भगवान हनुमान अमर थे। अगर धार्मिक ग्रंथों की माने तो उनमें हर हिंदू धर्म के भगवानों के वापस स्वर्ग में जाने की कहानियां हमें देखने और सुनने को मिल जाती है, लेकिन शेष रहते हैं हनुमान जी। न जाने ये कोई इत्तेफाक है या कुछ और कि इनके मरने या वापस स्वर्ग में जाने की बात किसी भी ग्रंथ में देखने को नहीं मिलेगी। दुनिया भर के कई अलग अलग देशों में इस तरह के विशालकाय पैरों के निशान काफी संख्या में पाए गए हैं, और वैज्ञानिकों का ये दावा है कि ये निशान उस तरह के जीव के हो सकते हैं जिसका शरीर काफी विशालकाय रहा होगा। श्रीलंका में एक आदिवासी कबीला है जिसे मातंग कबीला कहा जाता है। बड़े संयोग की ही बात है कि इस कबीले के कई आदिवासियों को एक विशालकाय भारी भरकम जीव समय समय पर इनसे मिलने आता है। कुछ आदिवासियों का तो ये तक कहना है कि उन्होंने आसमान में एक विशालकाय जीव को उड़ते हुए भी देखा है। अब वो जीव भला क्या हो सकता है, इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस बात में भी न जाने क्या रहस्य छिपा हुआ है कि हनुमान जी के हर मंदिर के बाहर आपको बंदरों की टोली घूमती हुई मिल जाएगी। चलो मान भी लें कि जानवर है, कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन ये कैसा संयोग है कि जनाब ये बंदर अन्य देवी देवताओं के मंदिरों के बाहर इतनी संख्या में कहीं देखने को नहीं मिलते। अमेरिका में कई लोगों ने काफी बार एक विशालकाय जीव को घूमते देखने की बात कही है, जिसको उन लोगों ने बिगफुट नाम दे रखा है। और ऐसा माना जाता है कि अमेरिका की माया सभ्यता हजारों सालों पुरानी है, लेकिन न जाने क्यों ये लोग भी एक मंकी नामक भगवान की पूजा करते हैं, जिसकी इस तस्वीर को आप देख सकते हैं। जाते जाते सिर्फ इतना ही कहेंगे कि किसी भगवान को मानने के लिए उसमें सबूतों की नहीं, एक सच्ची आस्था और विश्वास की जरूरत होती है। जय हनुमान, जय श्री राम।